नमस्कार दोस्तों, SRKB माइनिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं माइंस एक्ट 1952 के क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट वन होगा जो खान अधिनियम 1952 से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइंस एक्ट कम्स इंटू फोर्स ऑन ऑप्शन ए 15 जुलाई 1952, ऑप्शन बी 24 मई 1952, ऑप्शन सी 15 मार्च 1952 एंड ऑप्शन डी 22 मार्च 1901। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आप लोग ज़्यादातर इसको 15 मार्च 1952 मारते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा डी 22 मार्च 1901, क्योंकि पहला जो मेरा माइंस एक्ट जो आया था वो 1901 में आया था। ठीक है, देखिए ये है हमारा इंडियन माइंस एक्ट 1901, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज। अडल्ट उस आदमी को बोला जाता है जिसकी उम्र कितनी हो गई है। देखिए, ऑप्शन ए 18 ईयर, ऑप्शन बी 19 ईयर, ऑप्शन सी 20 ईयर एंड ऑप्शन डी 21 ईयर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमारे सेक्शन टू में दिया गया है, 2KB में। एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज 18th ईयर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 18th ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द माइंस एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द डेथ ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। ऑप्शन ए वेलफेयर एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन बी हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑप्शन सी रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी हेल्थ एंड सेफ्टी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द माइंस एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, इन ओपन कास्ट वर्किंग इफ द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज नॉट एक्सीड डैश देन माइंस एक्ट शैल नॉट बी अप्लाइड। ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर एंड ऑप्शन डी 15 मीटर। तो ये सेक्शन 3 के A के 2 में लिखा हुआ है, द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन मेजर्ड फ्रॉम इट्स हाइएस्ट टू इट्स लोएस्ट पॉइंट नो वेयर एक्सीड्स 6 मीटर। तो आंसर क्या होगा? इसका 6 मीटर्स और इन द केस ऑफ एन एक्सकेवेशन फॉर कोल 15 मीटर्स। ठीक है, तो कोल के लिए 15 मीटर्स, इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्ट नॉट टू अप्लाई एनी माइन एंगेज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ। जो माइंस एक्ट है उसमें हम लोग नॉट टू अप्लाई मतलब अप्लाई नहीं होता है किस चीज़ का एक्सट्रैक्शन में। ऑप्शन ए मुर्रुम, ऑप्शन बी ग्रेवल, ऑप्शन सी लाइमस्टोन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सेक्शन 3 के B पार्ट में ही लिखा गया है, एनी माइन इंगेज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कंकर मुर्रुम लेटराइट बोल्डर ग्रेवल सिंगल ऑर्डिनरी सैंड, ये सब जो है ये हमारा एक्सट्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मुर्रुम ग्रेवल लाइमस्टोन सबका एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। एक्ट नॉट टू अप्लाई एनी माइन इंगेज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस वेयर इट इज एन ओपन कास्ट वर्किंग द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन एनी वन डे डज नॉट एक्सीड। ठीक है, ऑप्शन है हमारा ए 20, बी 30, सी 40 एंड डी 50। ये हमारा सेक्शन 3 का B का 2 पार्ट B में दिया गया है कि वेयर इट इज एन ओपन कास्ट वर्किंग द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन एनी वन डे डज नॉट एक्सीड 50। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सेक्शन 7 ऑफ माइंस एक्ट 1952। ऑप्शन ए चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर्स, ऑप्शन सी पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स ऑफ माइंस एंड ऑप्शन डी फैसिलिटीज टू बी अफोर्ड टू इंस्पेक्टर्स। तो देखिए, सेक्शन 7 में क्या होता है हमारा माइंस एक्ट का, वो होता है हमारा पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स ऑफ माइंस। ये चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर हमारा सेक्शन 5 में है, फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर सेक्शन 6 में है और फैसिलिटीज टू बी अफोर्ड टू इंस्पेक्टर्स ये हमारा सेक्शन 9 में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 स्पीक्स अबाउट फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। ऑप्शन ए है हमारा 9, ऑप्शन बी है 9A, ऑप्शन सी है 22A
एंड ऑप्शन डी है 23। ये सेक्शन 9 में हमारा क्या आता है, फैसिलिटीज टू बी अफोर्ड टू इंस्पेक्टर्स, और 9A में क्या आता है, फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी 9A। ठीक है, तो 9A में होता है हमारा फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, और 22A में होता है हमारा पावर टू बी प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टन केसेस, एंड 23 सेक्शन में है हमारा नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट्स। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कमिटी मीन्स अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ माइंस एक्ट 1952। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी सेक्शन 11 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 12। तो कमिटी हमारा किसके अंडर में आता है, सेक्शन 12 के अंदर में। सेक्शन 9 इसमें है हमारा क्या, फैसिलिटीज टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर्स, ये मैंने पहले ही देखा था। सेक्शन 10 में है हमारा सेक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेंड, और सेक्शन 11 में क्या है, सर्टिफाइंग सर्जन्स, और 12 में है हमारा कमिटीज। तो इसका आंसर क्या होगा, कमिटीज का सेक्शन 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट स्पीक्स अबाउट नोटिस टू बी गिवेन ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 19। देखिए हमारा सेक्शन 16 में दिया हुआ है नोटिस टू बी गिवेन ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस, और सेक्शन 17 में है हमारा मैनेजर्स का बारे में इंफॉर्मेशन, सेक्शन 18 में है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर्स एजेंट्स एंड मैनेजर्स, और सेक्शन 19 में हमारा दिया गया है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 16। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।